गाइस हम क्वेश्चन करने वाले हैं रीफॉर्मेट डेट। सो ये लीट कोड का डिफिकल्टी इजी वाला क्वेश्चन है, बट मेरी प्लेसमेंट में भी ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, तो हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा कभी कभी हम सबस्ट्रिंग वगैरह लेने में ना गलत हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। सो मैंने काफ़ी सिंपल सोल्यूशन डिस्कस किया है, तो एक बार देख लेना वीडियो। सो द क्वेश्चन इज गिवन अ डेट स्ट्रिंग इन द फॉर्म डे मंथ ईयर, वेयर डे इज फ्रॉम फर्स्ट टू 31st, मंथ इज फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ईयर इज फ्रॉम 1900 टू 2100। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है द डेट स्ट्रिंग टू फॉर्मेट वाई 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 बाय MMDD। तो बेसिकली हमें फॉर्मेट करना है, जो इनिशियल दे रखा है फोर, जैसे हमें दे रखा होगा कि 26th मई 2020, तो हमें इसे 2020 फिर मई का जो न्यूमेरिक में होता है वो 26 को 26 लिखना है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे 20th अक्टूबर 2052 दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, ईयर पहले बताना है कि 2052 सबसे पहले है, फिर उसके बाद एक हाइफन देना है, फिर मंथ अक्टूबर का 10th होता है सो 10th, और फिर डेट सही है 20th है तो 20 देनी है। सो इसमें कैच क्या है, जैसे 6th हो गया 6th जैन, तो इसमें क्या है 06 नहीं दिया होगा, बट हमें आंसर में जो आउटपुट कराना है वो 06 कराना है। वैसे ही जैन का 6th मंथ होता है तो 06 आउटपुट कराना है। सो वो क्या होता है कि जब हम सबस्ट्रिंग लेते हैं ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है अगर हम पहली बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हो तो जाता है अगर हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी हो। सो अगर एक बार देखा हुआ होगा तो आसानी होगी। सो देख लेते हैं एक बार, इसमें एक मेन ट्रिक क्या है, तो मैंने देखा कि इसमें एन इक्वल टू 13 है, जो स्ट्रिंग का साइज दिया हुआ होगा ना, अगर एन इक्वल टू 13 है उसका क्या मतलब होगा कि फर्स्ट वाली जो डेट है, जो डे है दिन, वो भी पूरा टू टू डिजिट में होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नंबरिंग कर रखी है इधर, तो क्या हो रहा है 0 से 12 तक जा रहा है, अगर टू डिजिट नंबर हो तो वो एन इक्वल टू 13 साइज का होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होगी कि 0 से 2 तक हमारा सबस्ट्रिंग जो है, 0 से 1 तक अगर हम क्लोज लें, तो वो हमारी बन जाएगा डे कौन सा है, सही है। फिर उसके बाद जो इंडेक्स 5 से 7 तक का सबस्ट्रिंग हमारा बन जाएगा मंथ, ठीक है, 5 से 7 तक का एनक्लोज्ड ब्रैकेट का। फिर उसके बाद 9 से 12 तक हमारा ईयर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो ये मंथ है वो हमें अल्फाबेट्स में दे रखा है, उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर ये नंबर मंथ 10 से कम हुआ तो उसको हमें कन्वर्ट कर देना है 0 के बाद जो भी मंथ है, 6 है तो 06 कन्वर्ट कर देना है, बट अगर 10 हुआ या 10 11 12 हुए तो उन्हें ऐसे ही रहने देना है, 10 11 12 भी, उसमें कोई अपडेट नहीं करना। और हमने देखा डेट अगर लेस देन 10 हुई तो उसमें भी हमें 0 प्लस जो करंट डे है, डेट है ना, तो ये करना है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इन वाले टर्म्स को, या तो हम इंडेक्सिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्हें, तो उसमें हमारे को क्या दिक्कत होगी कि हमें वो केस वो देखने पड़ेंगे कि हम 0 से 1 तक का सबस्ट्रिंग लें, उसके बाद 5 से 7 तक का, 9 से 12 तक का, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, एक हो गया हमारे पास एक स्ट्रिंग स्ट्रीम होता है, ये हमारा सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम जहाँ भी स्पेस आ रहा है हमारे स्ट्रिंग में, जैसे 26th एक टर्म है, फिर उसके बाद एक स्पेस दी गई है, तो हम बेसिकली स्प्लिट कर सकते हैं स्पेस पे यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बार वो देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रीम है, तो इसमें क्या बता रहा है कि एसोसिएट्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद स्ट्रीम अलाउइंग यू टू रीड फ्रॉम द स्ट्रिंग एज इफ इट वॉज अ स्ट्रिंग। तो इससे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो देखो जैसे हमारे पास ये तीन तीन अलग अलग वर्ड्स का एक वर्ड बना गया है, तो इसमें हमें काउंट दी गई है 3, फिर उसके बाद जैसे 4 वर्ड्स का एक वर्ड बनाया है, तो ये 4 नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे बन के एक स्ट्रिंग बन रहा है।
तो इसमें क्या किया गया है, हमने एक स्ट्रिंग स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया एस, उसमें हमने जो इनिशियली जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करी गई है उसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक ले लिया वर्ड, स्ट्रिंग ले लिया वर्ड, अभी वो एम्प्टी है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक्सट्रैक्शन शुरू करूंगी इस वाली स्ट्रिंग स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से। उसमें क्या डाला था मैंने, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग पास किया है, जो कि ये होगा ऐसीपुर पवन कुमार, ठीक है। तो हमने उसमें एस में ये पूरा वर्ड डाल दिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सिंटैक्स हमें ऐसे यूज करना है, ठीक है। एस में मैं राइट शिफ्ट या फिर सीन वाला ऑपरेटर जो भी होता है ना वो समझ लो, और फिर उसके बाद मैं एम्प्टी वर्ड दे रही हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो स्पेस से पहले जो वर्ड आ रहा है ना वो वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, सो अब क्या हो रहा है, जैसे सभी एल्गोरिथम लिख देते हैं। तो जो हमारा एस वाला ऑब्जेक्ट है इसका नाम हमने एसटीआर ले लिया, या हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एस बना दिया, उसमें एसटीआर पास कर दिया। एक हमने एक वेरिएबल टेम्प और ले लिया, जिसमें कि हम वर्ड स्टोर करेंगे जो कि स्पेस से पहले हो, ठीक है। अब मैंने वाइल लूप लगाया, उसमें मैंने क्या सिंटैक्स लिखा, एस जो ऑब्जेक्ट है एस, और फिर सीन वाले ऑपरेटर में मैंने ये जिसमें मेरे को वर्ड स्टोर कराना है वो भेज दिया। अगर मैं सी आउट टेम्प करूंगी तो सबसे पहले जो भी स्पेस से पहले है, यहाँ स्पेस है उससे पहले क्या है छवि, तो छवि प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि अभी भी टेम्प खाली नहीं होगा क्योंकि एक और वर्ड हमारे पास है ऑलरेडी नल कैरेक्टर से पहले, तो सी आउट टेम्प में एल्गोरिथम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूज स्ट्रिंग स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का, कि हम कैसे करें। तो ये चीज हमारा इसमें कैसे यूज आ सकती है, क्योंकि ये हमारे को स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग दी गई है ना, तो हम इसमें से 20th अक्टूबर और 2052 एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्या फायदा होगा देखते हैं। सो जैसे अब हमारे पास था 20th अक्टूबर 2052, तो हमारी स्पेस कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, उसके बाद इधर आ रही है, और यहाँ नल कैरेक्टर होगा। तो हमारे पास तीन वर्ड्स बन जाएंगे, एक तो 20th जो कि हमारी एक डे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर अक्टूबर जो हमारा मंथ है, फिर उसके बाद 2052, ठीक है। तो ये हमारा ईयर में स्टोर कर लेंगे, ये तीन वेरिएबल ले लेंगे हम। तो देख लेते हैं इसको कैसे लेना है। तो देखो क्या किया मैंने, एक वेरिएबल एन ले लिया, फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, जिसमें कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट डेट पास कर दी, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग वर्ड लिया जो कि एक एम्प्टी वर्ड है अभी के लिए। फिर मेरे को क्योंकि डेट मंथ और ईयर चाहिए था, तो मैंने डी वाई एन ले लिया। फिर उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाया, एक वेरिएबल काउंट ले लिया, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, काउंट जब वन होगा तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी ये वाला, फिर उसके बाद मैं काउंट बढ़ा दूंगी, सही है। जब काउंट बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद जब काउंट वन हो जाएगा तो मेरे पास मंथ वाला वेरिएबल आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं काउंट फिर से बढ़ा दूंगी तो ईयर वाले में स्टोर कर लूंगी। तो मैंने क्या पूछा, बोला कि काउंट जब जीरो है तो टी इक्वल टू वर्ड कर दिया, जो ये वर्ड आया वो मैंने डी में स्टोर कर लिया। फिर काउंट मैंने बढ़ा दिया, फिर मैंने फिर से वर्ड में लिया सेकेंड वाला ये अक्टूबर, उसको मैंने मंथ में डाल दिया, क्योंकि काउंट इक्वल टू वन तो मंथ इक्वल टू वर्ड, काउंट फिर मैंने बढ़ा दिया। फिर वर्ड में आया हमारा ईयर, ठीक है, ईयर में मैंने डाल दिया वर्ड, तो फिर हमारा ये एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि हमारा एंड आ गया इधर, ठीक है। सो ये हमारे पास इस कोड से आ गए कि 20th डे है, मंथ ये है और ईयर ये है। बट अब हमारा टास्क क्या है, अब इसमें से मेरे को 20th में से TH हटाना है, फिर अक्टूबर को मुझे कन्वर्ट करना है मंथ में 10 में, फिर 2052 तो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग क्या करनी है, पहले सबसे पहले वाई आएगा, फिर उसके बाद एक हाइफन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर उसके बाद एक और हाइफन आएगा, फिर डेट आएगी, डेट आएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या किया मैंने, अब देखो जो मैं बोल रही थी, जो अगर हमारा एक सेकेंड, सो
अब मैंने दो डेट्स लिख ली है, एक में जिसमें ये सिर्फ एक लेटर का है, ठीक है, जैसे फिफ्थ डेट है और इसमें 20th है, तो ये हमारा एक होगा फॉर्म जो कि साइज 13 का होगा, ये साइज 12 का है। तो अब मैंने दो कंडीशन अलग अलग हैंडल कर ली है, जब एन हमारा 13 साइज का होगा तो हम ऑलरेडी जो वाई है वो तो रख ही लेंगे क्योंकि हमारा वाई फॉर्मेट है, उसके बाद हाइफन है, फिर उसके बाद मैं गेट मंथ एक फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैंने क्या किया, अगर एम हमारा जनवरी है तो रिटर्न 01, इधर मैंने रिटर्न करा दिया जिस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, मतलब अगर जो भी अगर मंथ 10 से कम है तो उसमें मैंने 0 ऐड करा दिया इधर, ठीक है, तो ये 02, 03, 04, 05, 09 तक एंड देन 10, 11, 12, तो जो भी मंथ होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मंथ रिटर्न कर देगा नंबर्स में, तो ये गेट मंथ कर दिया, फिर उसके बाद हाइफन लगा दी। अब उसके बाद क्योंकि ये 13 साइज का है राइट, तो मतलब इसके पहले दो एलिमेंट 0 और 1 हमारे को डेट बताएगी, तो मैंने सबस्ट्रिंग किया डी डॉट सबस्ट्रिंग, डी में क्या स्टोर था हमारा पहले 4 कैरेक्टर्स है ना, क्योंकि स्पेस से पहले ये 4 आ रहे थे, तो मैंने डी डॉट सबस्ट्रिंग कर दिया 0 to 2। अब C++ में सबस्ट्रिंग कैसे यूज होता है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और लेंथ देते हैं, तो क्योंकि हमें लेंथ 2 चाहिए थी तो इसीलिए हमने लेंथ इधर 2 प्रोवाइड कर दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 प्रोवाइड कर दिया राइट। और फिर उसके बाद एल्स केस में क्या होगा, जब एन 13 साइज का नहीं होगा, मतलब ये जो डेट है वो एक साइज की होगी, तो उस केस में क्या करना है, हमें 0.5 रिटर्न करना है राइट। तो क्या किया मैंने, ये सेम रहा हमारा इधर, फिर मैंने हाइफन के बाद 0 अपना ऐड कर दिया और डी डॉट सबस्ट्रिंग कर दिया 0 to 1, मतलब सिर्फ ये वाला कैरेक्टर 0 से 1, 1 लेंथ का हमें सबस्ट्रिंग चाहिए डी वाले वेरिएबल का, ठीक है, तो ये हमारी डेट रिटर्न हो जाएगी। एक बार मैं रन करके दिखा देती हूँ कोड, ये सारे हमारे इनपुट्स हैं, सो ये हमारा आउटपुट आया है जो कि हमारे डिजायर्ड आउटपुट से सेम है, सो सबमिट करने पे एक्सेप्टेड आ रहा है मेरा कोड। आई प्रोवाइड द कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। एंड इसका लाइक अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका रिवर्स भी इम्पोर्टेंट है, लाइक उसमें क्या दिया होगा कि डेट जैसे जी दे रखी होगी 5, 10, 30, 30 को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना होगा 5th अक्टूबर 30 30, ये हमें आउटपुट देना होगा। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लाइक ये काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है, इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे सेकंड हो गया तो इसमें ये चेंज होंगे, ये जो जो भी बोलते हैं इन्हें, जैसे फर्स्ट हो गया तो ST आएगा, सेकंड हो गया तो ये आएगा, थर्ड हो गया तो RD आएगा, 21st तो TH आता है, तो ऐसे ये हमें ये ऐड करने पड़ेंगे, तो ये कॉर्नर केसेस होंगे। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।